मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका मेरे कोर्स टीडीएस में स्वागत है। ये वीडियो अब हम लोग आगे कैरी करेंगे जो हमारे सेक्शन रह गए थे टीडीएस के, उसके बारे में। सबसे पहले हमारे सामने ओपन है, इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन में बात कर ली थी 194C तक बात कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट वाला केस हमने कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट वाले केस को हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम इसकी बात करते हैं आगे 194D किसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप यदि आप इंश्योरेंस, आप क्या है, इंश्योरेंस एजेंट हैं, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, ठीक है, तो जो आपको पता ही होगा कि इंश्योरेंस कंपनी का जो बंदा एजेंट होता है, उसको जब वो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचता है कंपनी के व्यापार, तो उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो कमीशन पर क्या करता है, टीडीएस कटता है। कौन काटेगा टीडीएस, इंश्योरेंस कंपनी काटेगी। किसका काटेगी, एजेंट का टीडीएस काटेगी। कब टीडीएस की लायबिलिटी जाएगी। बेसिकली टीडीएस एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेसिडेंट, सामने वाली पार्टी क्या होनी चाहिए, रेसिडेंट, एनी इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन रिवार्ड वेदर बाय वे ऑफ कमीशन या अदरवाइज फॉर सॉलिसिटिंग या सिक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक ना, इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटेड टू कंटिन्यूएंस या रिन्यूअल या रिवाइवल ऑफ पॉलिसी ऑफ द इंश्योरेंस शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पे या एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ इन कैश या बाय इश्यू ऑफ चेक या ड्राफ्ट बाय एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर। डिडक्ट कितना है, 5% में कितना डिडक्ट करेगा, 5% का डिडक्ट। कब कटेगा, कौन सी चीज को कटे, कौन सी चीज को कटे, कब काटना है डिडक्ट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। प्रोवाइडेड लिखा हुआ है यहां पर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट टीडीएस नहीं कटेगा। कब टीडीएस नहीं कटेगा, यदि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो अमाउंट है वो 15,000 से ज्यादा नहीं है। यदि 15,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर है। यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट वाला बेनिफिट था, 197 वाला बेनिफिट, जिसमें आपको क्या करना पड़ता था, ए पर रिक्वेस्ट आप कर सकते थे, आप अपने असिस्टिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि सर मुझे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरा टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, जितना मेरा टैक्स कट रहा है तो उसको बचाने के लिए मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, या तो नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस या लेस डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने एओ को, एओ को रिक्वेस्ट करोगे, एओ आपको सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट आपको किसको देगा, जाके डिडक्ट करोगे। यहाँ पर आप 197A में जॉब सेल्फ डिक्लेरेशन होता है वो भी आप कर सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको पता ही है, दो कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, एक तो जो आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, इंश्योरेंस जो कमीशन आपको मिल रहा है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यदि आप सीनियर सिटीजन है तो अगर यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है, यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है आज पर सेक्शन 197, इफ एनी पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म हैव इंश्योरेंस कमीशन इनकम नॉट एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट एंड ऑल्सो हिज टैक्स लायबिलिटी इज निल, देन सच पर्सन कैन फर्निश द डिक्लेरेशन। ठीक है, कंपनी और फर्म यहाँ पर एप्लीकेशन डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं दे सकती है, कंपनी और फर्म के अलावा कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है, बट उसका जो अमाउंट है जो उसकी इंश्योरेंस कमीशन थ्रू इनकम हो रही है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी निल होनी चाहिए। तो बोथ कंडीशन को पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन देता है फॉर्म 15G में वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है। एक है फॉर्म 15H के लिए रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, इनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, टैक्स लायबिलिटी इनकी निल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शैतान हाजिर है, शैतान यहाँ पर भी हाजिर है, अगर आपने पैन नहीं दिया तो आपका 20% से टैक्स काट दिया जाएगा। 194DA, ये 194DA क्या है, आपने सेक्शन क्या था पढ़ा था इससे पहले, 194D इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड था, ये भी सेक्शन 194DA इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल रही है, आपका इंश्योरेंस आपका जो इंश्योरेंस जो आपकी पॉलिसी है वो मैच्योर्ड हो चुकी है, अब मैच्योर्ड हो चुकी है, अब वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, कॉस्ट वाली है, कॉस्टली ऐसी थी यदि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रैल 2012 के बाद इशू हुई है, और उसका जो कमीशन का मतलब जो प्रीमियम के अमाउंट है वो 10% होता है, इंश्योर्ड अमाउंट है 10% से ज्यादा है, किसका जो आपका समय शोर्ड है, और जो आपकी प्रीमियम पॉलिसी है वो 10% किसके समय शोर्ड से ज्यादा है, मतलब अगर समय शोर्ड का मैं 10% निकालूंगा उससे ज्यादा आपकी प्रीमियम अमाउंट आ रही है, उससे ज्यादा आपकी प्रीमियम अमाउंट आ रही है, तो उसको हम क्या मानते हैं, कॉस्टली इंश्योरेंस पॉलिसी मानते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपको 10-10D का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर 10-10D का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर आपको टैक्स टीडीएस कटेगा, आपका टीडीएस कटेगा यदि आपकी अमाउंट कितनी अमाउंट जो मैच्योरिटी के अमाउंट है वो 1 लाख से ज्यादा हो जाती है। क्लियर है,
within effect from 1/9/2019, the tax will be deducted as per part percent on the amount of income comprised thereon after deducting the amount of insurance premium paid by the resident SD from the total sum received. ये लिखा हुआ है जो 1/9/2019 है वहां से अमेंडमेंट हो चुका है. अमेंडमेंट क्या है कि आपका कितना आपकी कितनी इनकम आ जाएगी, अमाउंट रिसीव्ड आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला, आपका प्रीमियम का कितना गया, नेट जो आएगा उस पर आपका कमीशन कटेगा 5% का. बात समझ आ गई. यहाँ पर आप डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्टिंग एट सोर्स आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो, 15G15H फॉर्म दे सकते हो. हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. मिस्टर एक्स रेसिडेंट है, इस ड्यू टू 4.5 लाख रुपए उनको मिलने हैं 31/3/2020 को टुवर्ड द मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ LIC पॉलिसी. ठीक है ना, 1/4/2017 और विद द सम एश्योर्ड कितना है 4 लाख रुपए. एनुअल प्रीमियम कितना जाता था 1,25,000 रुपए. ये 1,25,000 4 रुपए एनुअल प्रीमियम जाता था. ठीक है, तो एनुअल प्रीमियम किससे है आपका सम एश्योर्ड का 10% कितना हुआ 40,000. ये कितना है 1,25,000. ये क्या है ज्यादा है, तो ये आपका क्या हुआ टैक्सेबल हुआ. कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी 4.5 लाख रुपए आपको मिला हुआ है. इन द एनुअल प्रीमियम एक्सीडिंग 10% का सम एश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी टेकन आफ्टर 31/3/2012 द मैच्योरिटी प्रोसेस 4.5 लाख रुपए इज ड्यू ऑन 31 आर नॉट एग्जम्प्ट. एग्जम्प्ट नहीं है ये, क्या टैक्सेबल है. देयरफॉर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 5%. 5% कितने का देगा आपको 4.5 लाख रुपए मिल रहे हैं. आपने प्रीमियम कितना पे कर दिया 3,75,000 रुपए, तो आपका क्या होगा एंटायर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. ठीक है, तो आपका 75,000 पर 5% TDS क्या TDS कटेगा. क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको. क्लियर है, ठीक है. और यदि कोई पॉलिसी आपकी 1/4/2012 की इससे पहले की है तो उस पर हम देखेंगे 20%. क्या देखेंगे 20% क्या निकालना पड़ेगा आपको, जो सम एश्योर्ड होगा उसका 20% निकालना पड़ेगा. 20% सम एश्योर्ड निकालना पड़ेगा और आपका प्रीमियम की अमाउंट. यदि प्रीमियम के अमाउंट 20% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है तो आपका वो कॉस्टली मनाएगा और आपका एक्सपेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और टीडीएस की आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. क्लियर, यहाँ पर एक चीज और है. टीडीएस तो भले ही 50,000 रुपए कट रहा है लेकिन जो हमें 1 लाख है उससे ज्यादा वाली अमाउंट है वो हमें प्रीमियम रिसीव्ड की अमाउंट है. प्रीमियम रिसीव्ड की अमाउंट 194DA किस पर लगता है, 194DA लगता है कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी. होता है ना कि जो हमारे खास हम खास इंप्लाई होते हैं उनका हम इंश्योरेंस करवाते हैं, डॉक्टर CEO वगैरह, ठीक है, उनका हम खास क्या करवाते हैं उनकी पॉलिसी लेते हैं. तो की इंश्योरेंस पॉलिसी और जो कॉस्टली इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या करेक्ट कवर होंगी, वो इस सेक्शन में आगे कवर होंगी 194DA में. एंड यदि पेमेंट की अमाउंट 1 लाख या उससे ज़्यादा होगी, जो इंश्योरेंस उनको मिल रहा है मैच्योरिटी अमाउंट मिल रही है वो 1 लाख या उससे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर TDS आपका काट लिया जाएगा. TDS किस अमाउंट पर काटा जाएगा 1/9/2019 वो चेंज हुआ है. 194E, ये 194E सेक्शन क्या है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन. होता क्या है, आपने देखा होगा कि इंडियन IPL चल रहा है, IPL टीम में जो क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है वो आते हैं. अब उनको क्या करता है IPL जो IPL ऑर्गेनाइज कर रहा है वो पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट करेगा तो वो सेक्शन 194E में क्या काटेगा टैक्स काटेगा. दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक तो वो NRI होनी चाहिए, नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन एथलीट्स भी आ सकते हैं उसमें, या इंटरटेनर होता है चेयरगर्ल्स आ रही है डांस कर रही है ना वो भी वो आ गए, या फिर क्या कहते हैं कोई भी बैंड बाजा बारात वाले कोई भी एक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं आके, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब सिटीजन नहीं होने चाहिए इंडिया के. ये यहाँ पर ये जो सेक्शन है 194E ये किस पर फोकस है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इंडिया के नहीं हैं, जो फॉरेनर हैं बाहर के हैं. जैसे कभी कभी क्या होता है विराट कोहली काफी दिन से बाहर रह रहा है तो वो NRI तो हो जाएगा, नॉन सिटीजन हो जाएगा, बट वो सिटीजन इन इंडिया है तो उस पर सेक्शन ये वाली नहीं लगेगी. क्लियर है. इसके अलावा नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ये कौन होते हैं, जिस तरीके से BCSEI है भारत का कंट्रोल बोर्ड है, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का भी कंट्रोल बोर्ड होता है. तो यदि ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल बोर्ड को भी कोई पेमेंट हो रहा है, जैसे उन्होंने क्या करा एक टूर्नामेंट इंडिया में करवाया, ऑस्ट्रेलिया BCCI ने और ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल बोर्ड दोनों मिलकर एक टूर्नामेंट इंडिया में करवाया. BCCI क्या कर रही है, किसको पेमेंट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल बोर्ड को कर रही है, तो वो इस सेक्शन के अंदर उनका TDS काटेगी. TDS की रेट क्या है 20.8 should be made by the person responsible for making the payment. कब कटेगा TDS, कौन कौन सी इनकम होनी चाहिए, लिखा हुआ इनकम रिसीव्ड या रिसीवेबल बाय द नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन इंक्लूडिंग एन एथलीट बाय वे ऑफ
पार्टिसिपेशन इन गेम, जैसे आईपीएल में उन्होंने खेला, स्पोर्ट्स इन इंडिया, गेम्स लाइक क्रॉसपगल्स हॉर्स रेसेस, यदि क्रॉसपगल्स और हॉर्स रेसेस में ग्रीन फॉर्म लॉटरी है ये तो ऑलरेडी इंग्लिश सेक्शन है तो वो वहाँ पे कवर है, वो वाले गेम्स वगैरह यहाँ पर नहीं आएंगे। एडवर्टाइजमेंट कोई भी एड हो रहा है ये उनको पेमेंट हो रहा है तो ये कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं जो फॉरनर है, जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स मैन है, वो कोई आर्टिकल लिख रहे हैं किससे रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंडियन न्यूज़पेपर, इंडिया के न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल्स में, तो उनको जो पेमेंट हो रहा है वो सेक्शन में कवर होगा। ठीक है, गारंटी फीस यहाँ पर किसको कवर करा गया है, जो एसोसिएशन है, ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल बोर्ड है उसको पेमेंट कर रही है, तो यहाँ पर वो सेक्शन में कवर हुआ। इसके अलावा कोई भी परफॉर्मर है, इंटरटेनर है, ये जैसे चेयर गर्ल्स हो गई, म्यूजिशियन हो गए, बैंड वाले हो गए, तो फॉरनर की है, फॉरन की है, और यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं, अपनी इंटरटेन मतलब लोग को इंटरटेन कर रहे हैं, तो उनको भी क्या लगेगा, उन पर भी टैक्स काट लिया जाएगा 194E। यहाँ पर कोई लिमिट तो नहीं है, यहाँ पर आपको कितना भी अमाउंट मिल रहा है TDS आपका काट लिया जाएगा। Calculate the amount of tax to be deducted for on the payment made to Ricky Ponting and Australian cricketer by newspaper for contribution of article 25,000 rupees. Pollution and the person responsible for paying an amount to a non-resident sportsman for contributing of the article related to any game sports in India in a newspaper shall be deducted by 20% TDS. आपका 20.8% TDS आपका कट जाएगा। ये हमने कौन सा सेक्शन पढ़ ली, 194 इंपॉर्टेंट सेक्शन थी, किस पे फोकस था, नॉन रेसिडेंट और जो सीनियर सिटीजन इंडिया के हैं। अब आता है सेक्शन 194G, ये क्या है, सेल ऑफ लॉटरी टिकट। आप लॉटरी टिकट सेल कर रहे हो, कौन सेल कर रहा है, ये जो स्टॉकिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग का राइट रखता है, मतलब जो क्या कर रहा है, वो लॉटरी टिकट को बेच रहा है, किसके व्यापार, गवर्नमेंट के व्यापार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, किसी को ऑथराइज करती है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो क्या कर रहा है, लॉटरी के टिकट को बेच रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको कमीशन पेमेंट कर रही है, तो जो कमीशन पेमेंट कर रही है उस पर क्या लगेगा, टैक्स TDS कटेगा, किस रेट से, 5% से। कब कटेगा, देखो चार सेक्शन है, मैंने चार सेक्शन आपको पहले ही पढ़ा था, 194B, 194BB, 194LA। इस सेक्शन में क्या देखेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, बाकी सब फेस में क्या देखेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विचर इज अर्लियर, यहाँ पे क्या देखेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विचर इज अर्लियर, एंड अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 15,000 में ज्यादा होनी चाहिए, फाइनेंशियल क्या लगेगा, आपका 5% TDS कट जाएगा, आपको 197 का बेनिफिट मिलेगा एज पर सेक्शन 197, इफ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट फाइंड दैट हिज टैक्स लायबिलिटी शैल बी लेस देन द अमाउंट ऑफ TDS कि मैं अप्लाई टू द AO, यहाँ पर 197 का बेनिफिट मिल जाएगा। 197 मैंने आपको बताया था, फॉर्म फुल आपको भरना पड़ेगा, AO को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट भी AO आपको क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट इशू करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको किसको देना है, अपने डिटेक्टर को देना होगा। ये यहाँ पर भी शैतान जिंदा है तो 20% चीजें कटेगा यदि आप पैन जो 194H क्या है, कमीशन एंड ब्रोकरेज। हमने दो सेक्शन पढ़े थे कमीशन के इससे पहले, एक तो इंश्योरेंस कमीशन वाला और एक पढ़ा था हमने इससे पहले लॉटरी पर कमीशन। तो ये जो इंश्योरेंस कमीशन है और लॉटरी पर कमीशन है, इसके अलावा यदि आपको कोई कमीशन मिल रहा है, यदि आप जैसे आप किसी ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से इन्वॉल्व हो, ठीक है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी हुई, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे वेस्टीज इस टाइम चल रही है, ठीक है, वेस्टीज, तो उससे क्या मतलब आपको कमीशन मिलता है, तो ना तो 194D में आएगा, ठीक है, और ना ही वो 194G में आएगा, तो वो किस में आएगा, इस सेक्शन के अंदर आपका TDS कटेगा। कब कटेगा TDS, यदि जो मिलने वाला कमीशन पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना है, 15,000 से ज्यादा है, एंड सामने वाली पार्टी कौन है, इंडिविजुअल, ये जो काटने वाली पार्टी है, इंडिविजुअल एंड एक्चुअल तभी हो सकती है जब उसका ऑडिट मतलब उसकी जो लिमिट है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल कितनी लिमिट है, 1,50,00,000, ऐसा केस में भी हो चुकी है, वो बिजनेसमैन है, उसकी लिमिट टर्नओवर उसका बिजनेस, यदि बिजनेस कर रहा है तो 1,00,00,000 से ज्यादा, और यदि प्रोफेशनल है तो 50,00,000 से ज्यादा, यदि उसका टर्नओवर हो गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको TDS काटना पड़ेगा। कब काटना पड़ेगा, यदि जो TDS की अमाउंट है, सामने वाली पार्टी है, सामने वाली सिंगल जो सिंगल लेके चलते हैं, ठीक है, सिंगल पार्टी लेके चलते हैं, वहां पर 15,000 से ज्यादा ये ड्यूरिंग ईयर पेमेंट कर रहा हो तो आपको टैक्स काटना पड़ेगा, किस हिसाब से, 5% के हिसाब से। ठीक है, आप पर 197 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, 197A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, देखो तो आगे मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 197 और 197A ये किस किस को बेनिफिट मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा, आगे शीट बनी हुई है प्रॉपर तरीके से उसको देखते हैं।
इसके अलावा जो सिक्योरिटी सेलिंग है, सिक्योरिटी सेलिंग में जिनको कमीशन आ रहा है वो ये सेक्शन यहाँ पर कवर है। तो इंश्योरेंस कमीशन 194 डी हो गया, 194 जी हो गया, लॉटरी टिकट अदर्स कमीशन ये हो गया। दोनों में सेम क्या है कि 15,000 से ज़्यादा अमाउंट सब्सिडी कटेगा एंड वेट कैट एक्ट का 5%। एक केस स्टडी है, ये केस है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल केस है। क्या हुआ, ए लिमिटेड ने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट करा, ठीक है, मेरा ऐड करवा दो 192। जो ए लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पूछ चुकी है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे कवर है, वर्क में कवर है, कहाँ कवर है, 194 सी में कवर है, हमने पहले ही बोला था। तो 193 सी में क्या करेगा, टीडीएस काट लेगा, कौन काट लेगा, ए लिमिटेड, किससे काटेगा, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का। अब ये क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट रोक करके पेमेंट कर देता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, कमीशन बनता है। तो कमीशन पर भी क्या करेगा, टीडीएस कटेगा, कौन सा, जो उसने कमीशन रिटेन करके रखा हुआ है, जिसने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उसने जो आर्टिस्ट रखे हुए हैं, आर्टिस्ट को पेमेंट होगा तो वहां पर टीडीएस कटेगा। 194 आई, ये सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है 194 आई, इसको समझना बहुत जरूरी है। 194 आई क्या है, एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेसिडेंट, यहाँ पर वो रेसिडेंट आने वाली पार्टी रेसिडेंट होनी चाहिए, एंड यहाँ पर भी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी बनेगी यहाँ टीडीएस काटने की, जब उसका जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यदि बिजनेस करता है तो 1 करोड़ से ज्यादा, एंड यदि प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ज्यादा, तभी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की क्या बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी टीडीएस काटने की। क्लियर है, यहाँ पर कब टीडीएस काटना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट विच एवरेज हर ईयर। इसके अलावा यहाँ पर भी यहाँ पर क्या है, दो रेट क्या है, यदि आप रेंट पर क्या दे रहा है, यदि आपने क्या हुआ है, रेंट पे क्या दिया हुआ है, मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो 2% चीजें कटेगा। यदि आपने रेंट पे क्या रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग रखी है, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो उसका कितना चीजें कटेगा, 10% के साथ, ठीक है, टीडीएस नहीं कटेगा यदि अमाउंट 240,000 से ज्यादा नहीं है, यदि 240,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कब आएंगे, जब उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, ऑडिट होगा, मतलब लिमिट 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा होगी। यहाँ पर ऑडिट होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट यहाँ पर हम लिमिट देखते हैं। यदि आपकी जो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा, तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से कम है तो टीडीएस काटने की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल कुछ केसेस देखे उसको स्टडी कर लेना, आसान है, ईजी है, कोई आराम से आप कर सकते हो। रेंट मीट क्या होता है, व्हाटएवर नेम कार्ड अंडर लीज, सब लीज चाहे सब लीज हो, तो भी आपका टॉप जाएगा टेनेंसी अदर एग्रीमेंट अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ अदर सेपरेटली या टुगेदर एनी लैंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड अपार्टमेंट टू बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी फिटिंग फर्नीचर इक्विपमेंट एंड प्लांट, वेदर और नॉट एनी या ऑल ऑफ द अबव आर ओन्ड बाय द पेई, चाहे पेई जो सामने वाला बंदा है इसको हम ग्रांट कर रहा, चाहे वो उसका ओनर हो ना हो, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको 197A का बेनिफिट मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपका शैतान हाजिर है। शैतान क्या है, वो यदि आपने पैन नहीं दिया, यदि पेई ने पैन नहीं दिया तो आपके इतना का टीडीएस काटोगे, 20% टीडीएस काटोगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, सिंपल हैं, आपको कर लेनी है आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से आप एग्जाम्पल कर पाओगे। यदि आपकी कोई भी क्वारी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपका जितनी जल्दी हो सकेगा रिप्लाई कर दूंगा। टेंशन कोई 194 आई लगता है भाई, आप ना प्रॉपर्टी यहाँ, मतलब उन्होंने क्या करा, पहले जब सेक्शन टीडीएस की सेक्शन थी ना, पहले ना पर्सनल लेवल पे कोई बात नहीं कर रहे, अगर आप पर्सनल हो ना, पर्सनल उन्होंने कर रहा, हटो। अब इन्होंने क्या करा, अभी पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी कवर करने लगे, कैसे करने लगे, पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी कवर करने लगे, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी 194 बने। देखो ये लोग ना अब तो घेर रहे हैं, अब तो पर्सनल बंदे हैं बेचारे, तुम तो अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब भैया कोई बंदा अपना कोई जाके कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो वहां पर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल दी चीजें की, भैया यहाँ पर तो कितना भी हंगामा कर लो, उन्होंने एक सेक्शन नया लिया है, उन्होंने क्या करा है, जो परचेजर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। यदि वो क्या करता है, यदि वो सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है
अदर देन एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड कौन सी है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड. रूरल एग्रीकल्चर लैंड यानी यहाँ पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई भी यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, परचेजर परचेजर खरीदता है, यदि यहाँ पर परचेजर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परचेजर खरीदता है तो क्या करेगा, तो परचेजर है सेलर को पेमेंट करने से पहले सेलर का टीडीएस काट के जमा करेगा. इतना हैक्टिक काम, मतलब वो टैन नंबर ले, टैन नंबर लेने के बाद रिटर्न भरे, रिटर्न भरने के बाद सर्टिफिकेट दे, चालान का पेमेंट भी करे, मगर तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी उसके पास. तो गवर्नमेंट ने कही कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें हम बहुत सिंपल कर देंगे, बहुत ईजी कर देंगे. आपको क्या करना है, आपको एक तो 1% टैक्स काट लेना है. कब काटना है? यदि आपकी रेसिडेंट ट्रांसफर विच आई मेंशन अर्लियर टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सिस्टम एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सिस्टम टू द अकाउंट ऑफ रेसिडेंट ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सिस्टम पेमेंट और क्रेडिट विच आई मेंशन अर्लियर. आपको क्या करेगा, आपको क्या करना है, टीडीएस काटना. हाउएवर द टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन लेस देन 50,000. यदि आपका जो टोटल कंसिडरेशन है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा टोटल कंसिडरेशन. यदि उसकी अमाउंट 50,00,000 से ज्यादा है, वो 50,00,000 से कम है, तो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी. यदि अमाउंट 50,00,000 से कम है तो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी. मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑन द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फी, यानी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ. मैंने आपको मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन करवा दिया. फर्दर सिन द टैक्स डिडक्शन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर सेक्शन सेक्शन 191 डू नॉट अप्लाई अट्रैक्टेड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरी इन सच केसेस. तो वो सीधी सीधी बात है, यदि आपका कहीं 194 एले में कवर हो गया तो एले वाला केस यहाँ पर नहीं जाएगा. समझेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में एले को, यदि कंपल्सरी एक्विजिशन आपका प्रॉपर्टी हुआ है तो वहां पर क्या मानेंगे आपका, फिर तो आपका क्या नहीं माना जाएगा, फिर आपका 194 एले में जाओ, फिर आपको ना और सीधी सेक्शन में जाएगी. यहाँ पर जो सेक्शन है ना 203 है कंटेनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्शन 10 नंबर, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है. 194 IA में आपको 10 लेने की जरूरत नहीं है. आप विदाउट 10 के कर सकते हो, चलान और रिटर्न का पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है. द टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स टू क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फर्निशिंग चालान कम स्टेटमेंट एंड टीडीएस सर्टिफिकेट. यहाँ पर टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है. टाइम एंड देखो यहाँ पर ये जो सेक्शन है ना, ये जितना भी मेटेरियल लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है कि टीडीएस काटना कब है, ये देखो टीडीएस को काटना है. मैंने आपको उसके बारे में बताया था टीडीएस काटना होता है, टीडीएस आपने काट दिया. एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड क्रेडिट विचार कर लिया, ठीक है, काट लिया. फिर काटने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, चालान का रिटर्न भरना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर रिटर्न पहले नॉर्मली टीडीएस में चालान का कंसेप्ट अलग है, चालान पहले जमा होता है फिर उस पर उसकी रिटर्न कमिट होती है, ठीक है. बट यहाँ पे अलग है, यहाँ पर चालान का रिटर्न मतलब छोटा छोटा, मतलब आप चालान कम रिटर्न, मतलब चालान जो आप पेमेंट कर रहे हैं वही आपकी रिटर्न मान ली जाएगी. थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है बायर की और थोड़ी सी आपको सेलर से इन्फॉर्मेशन लेनी है, डाटा कलेक्ट करना है अपने, ठीक है. यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कौन सा इशू करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट 16B एंड टीडीएस कट तो गया, कटने के बाद जमा काम होगा. नॉर्मली जिस मंथ में केस काटा हुआ है उसके नेक्स्ट मंथ के 7th तारीख तक आपको जमा करना पड़ता है. लेकिन इस केस में आपको नेक्स्ट मंथ की जिस टाइम पे आपने टीडीएस काटा उसके नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट को क्या करना पड़ता है, लास्ट डेट आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को चलाने को, और पेमेंट कर दिया, ठीक है. उसके जस्ट 15 दिन के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस सर्टिफिकेट देने की, किसको देने की, आपके फॉर्म 16 भी है मैंने आपको बता दिया, टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है. जिस मंथ आपको जमा करना था, ठीक है, उस मंथ के लास्ट डेट से 15 दिन के भीतर आपको क्या करना है, उनको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर देना है. टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट है 26, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है, 26A में ये जो डाटा है ये क्या होना चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए, ठीक है.
तो मैंने अभी अपनी ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया, एक तो आपको टीडीएस काट का कब है उसको मैंने आपको बता दिया, आपने आपको पेमेंट और क्रेडिट भी बता दिया। अब उसको जमा कब करना है, जिस मंथ में आपने टीडीएस काटा उसको जस्ट अगले मंथ की 30 तारीख तक आपको जमा करना है। इसके साथ में आपको सर्टिफिकेट है वो जब तक जो जो आपकी कंडीशन डेट दी गई है इसकी टीडीएस रिटर्न फाइल करने की, जस्ट उसके 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। रिटर्न कौन सा है 26 जून, ठीक है, और सर्टिफिकेट कौन सा है 16 जून। तो मैं अपनी वीडियो अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ, आगे आने वाली वीडियो में हम लोग आगे लीगल कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, हम लोग कोर्स जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा। आपको करना क्या है, आप प्लीज़ मेरी आपके रिक्वेस्ट है रीडिंग मटेरियल को जरूर भेजा के पढ़ें। मैं आपको रीडिंग मटेरियल दे रहा हूँ उसको पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद ही आप क्या करें आगे बढ़ पाएँ, आगे बढ़ें अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, बाय।